ये वीडियो तेलंगाना में कलेक्टर ऑफिस के उद्घाटन समारोह का बताते हुए सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। अजय चौहान नाम के इस यूजर ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या तेलंगाना भारत का पहला इस्लामिक राज्य बन गया है। तेलंगाना में कलेक्टर ऑफिस की नई इमारत का उद्घाटन नमाज और कलमा पढ़कर किया गया। गौर करें कि अक्सर ये ट्विटर अकाउंट तरह तरह के फर्जी और भ्रामक दावे शेयर करता है और भी कई यूजर्स ने ऐसे ही दावे के साथ ये वीडियो ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट किया है। इस वीडियो के बारे में जांच करने पर ऑल्ट न्यूज को पता चला कि ये वीडियो अधूरा है। टी न्यूज तेलुगु की 4 जून 2023 की इस वीडियो रिपोर्ट में वायरल वीडियो का हिस्सा दिखता है। مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين। वहीं यहां पर इस वीडियो में पादरी प्रार्थना कर रहे हैं। नीति न्यायमुलु सिंहासनमु आधारमुलु कृप सत्यमुलु सन्निधानमु श्रृंग तरंगनेलुमु तन्निगु। अगर आप ये वीडियो गौर से देखें तो फ्रेम में आपको पुजारी भी दिखाई देंगे। स्क्रीन पर हमने इसे लाल रंग के घेरे से पॉइंट आउट किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय के इस YouTube वीडियो में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा निर्मल जिले के कलेक्टर ऑफिस के उद्घाटन समारोह के दृश्य हैं। यहां पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ में कुछ पुजारी दिखते हैं और निर्मल जिले के कलेक्टर क्रांति वरुण रेड्डी भी है। वहीं हिंदू रीति रिवाज के साथ पूजा के बाद कलेक्टर वरुण रेड्डी का मुख्यमंत्री ने अभिवादन किया और इसके बाद मौलवी और पादरी ने भी समारोह में अपने अपने धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रार्थना कराई। निर्मल जिले के कलेक्टर के इस ट्वीट में उद्घाटन समारोह की कुछ तस्वीरें शेयर की गई है। इनमें हिंदू पुजारी भी दिखते हैं। यानी तेलंगाना में निर्मल जिले के कलेक्टर ऑफिस के उद्घाटन में हिंदू मुस्लिम और ईसाई धर्म के हिसाब से पूजा की गई थी, लेकिन पूरे कार्यक्रम के वीडियो में से सिर्फ मौलवी द्वारा कलमा पढ़े जाने का वीडियो क्लिप कर वायरल किया गया और झूठा कम्युनल दावा किया गया।